हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। और अभी फिलहाल सुबह का टाइम हुआ है 8 बजे के आसपास का। तो जी बस अभी जो है मैं बिस्तर वगैरह जो है अपने समेट देती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, और दूसरा ये कि बच्चों की अभी वैकेशंस चल रही हैं। तो जी हाँ, जिनके ये रहता है कि भाई बच्चे बड़े हैं वो लोग भेज भी देते होंगे, बट ज़्यादातर बच्चों के जो है एग्जाम खत्म हो गए हैं या फिर चल रहे हैं। तो एक दिन जैसे कि एग्जाम चल रहे हैं, फिर छुट्टियाँ चल रही हैं, तो वैकेशन है इस हिसाब से, और काफी स्कूलों में शायद वैकेशन भी है। तो बस यही था, वैसे वाले दिन जो है वो चल रहे हैं, और रक्षित की भी जो है भी छुट्टियां चली हुई हैं। तो जी उसके स्कूल लगभग 25 तारीख के आसपास से जो है ओपन हो जाएंगे, तो वो रेगुलर जो है जाने लग जाएगा। तो जी अभी फिलहाल आप लोग देख रहे होंगे कि मैं अलमारी में ये क्या कर रही हूँ। तो जी अभी जो है मेरी एक आध स्वेटर रह गई थी, जो कि मैंने अपनी जब मैंने अपने विंटर वेयर कपड़े रखे थे, तो ये था कि मैंने अपनी स्वेटर वगैरह बाहर जो है रख ली थी। रक्षित के पापा की मैक्सिमम 3 से 4 रखी हुई थी, और मेरी भी 1-2 रखी हुई थी, और जो इनर होती है गरम वो भी रखे हुए हैं रक्षित के पापा के, तो वो भी मैं साइड में अब निकाल के जो है बेड में रख दूंगी। गरम वाली जो चादर है वो भी रख दूंगी, तो सिर्फ बस एक ही चादर में बाहर यहाँ पर रखूंगी, जो कि थोड़ी बहुत हमारे उड़ने के काम पे आ जाएगी। तो जी गर्मी होने लगी है, पंखे वगैरह तो ऑलमोस्ट सभी के ही स्टार्ट हो गए हैं चलने, बट ये था कि अभी जो है मेरे को लग रहा है कि जैसे अगला महीना स्टार्ट होगा तब तक जो है हमारी एसी भी चालू हो जाएगी, क्योंकि गर्मी इस हिसाब से लग रही है, बहुत ही ज्यादा लग रहा है इसकी। इस बार जो है गर्मियां बहुत ही ज्यादा पड़ने वाली है, और अभी देखते हैं जैसा भी रहेगा। तब तक जो है मैं अपने कपड़े जो है उनकी तय कर देती हूँ, और थैले में डाल डाल के इनको अच्छे से जो है मैं बेड में रख दूंगी। तो अभी फिलहाल बात ये थी कि मुझे सिंगल वाला कंबल भी जो है वो रखना था, और फिलहाल मुझे यहाँ पर ये लग रहा था कि पता नहीं बेड में जगह है कि नहीं है, क्योंकि एक तो ये रहता है कि भाई जब हम जैसे कहीं बाहर रहते हैं तो स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज जैसे हम गाँव में रह रहे हैं तो अपना खुला एरिया रहता है, यानी कि बहुत सारी जगह हो जाती है, तो हम वहाँ पे कैसे भी किसी भी तरीके से अपने सामान को एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल यहाँ पे देखते हैं मुझे जगह मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि मुझे सिंगल वाला ब्लैंकेट भी रखना है, और फिर यानी कि 3-4 थैले हो गए थे ये स्वेटर वगैरह के, और ये वाली भी चादर जो है बेडशीट, मैं इसको भी बेड में रख दूंगी। और फिलहाल जो है अभी रक्षित के पापा नहा रहे हैं, और रक्षित को भी वो ही नहलाएंगे, क्योंकि अभी जो है मैं काम कर रही थी तो मुझे टाइम ज्यादा लग जाएगा। फिर ये था कि अभी गर्मी जैसे कि स्टार्ट हो गई है, तो ये था कि 2 बार बच्चों को आराम से हम लोग नहला देते हैं, तो अभी तो ये हाल है। और जब ज्यादा गर्मी आएगी तब पता नहीं कितनी बार जो है बच्चे को नहलाया जाएगा, क्योंकि गर्मी ऐसा है कि अगर लग जाए तो फिर बहुत जल्दी से ही काबू में आती है। सर्दी का एक बार ये भी रहता है कि भाई दवाई वगैरह दिला दी अपना ठीक हो जाता है, गर्मी में तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो जाती है अगर पानी वगैरह की कमी हमारे शरीर में हो जाए तो। तो जी बस अभी फिलहाल लगी हुई हूँ, सुबह के 8 बजे से मेरा आज का रूटीन जो है वो शुरू हो रहा है। हालांकि अभी तक जो है चाय वगैरह हमने कुछ भी नहीं पिया है, आज थोड़ा सा हम लोग लेट हो गए थे, मतलब ये था कि उठ तो गए थे सुबह ही, बट ये था कि लेटे रहे, थोड़ी बहुत बातें शाते हो गई थी, तो काम के जो है मैं थोड़ा लेट ही आज लगी थी। तो जी इसी के साथ मैंने यहाँ पर अपनी बेडशीट भी चेंज कर दी है। चेंज इसलिए की है क्योंकि बेडशीट जो है गर्मियों में 2 दिन से ज्यादा जो है नहीं चल पाती है, और फिर जब तक बेडशीट अच्छी क्लीन ना हो, ना धुली हुई ना हो, मुझे तो अच्छा लगता नहीं है। फ्रेंड्स होता है कि भाई काफी लोग जो है बेडशीट को हफ्ता हफ्ता 10-10 दिन शायद चला लेते हैं, बट मैं ऐसे नहीं कर पाती हूँ। मैं मैक्सिमम 2 या 3 दिन गर्मियों में ही चलती है। फिर दूसरा ये है कि बच्चा है तो बच्चा थोड़ा बहुत फैला ही देता है, तो बस इसी प्रकार से जो है बच्चे के साथ पूरा दिन मेरा निकल जाता है। तो अभी फिलहाल बारी आती है, 2-4 ये बर्तन थे धुले हुए, इनको लगा देती हूँ। रात के ही है ये, अभी मैंने सुबह कोई काम नहीं किया है, रात को ही धुल के रखे थे। तो उसके बाद तो जी यहाँ पे मैंने पानी थोड़ा सा अपने लिए गर्म कर लिया है, क्योंकि मैं पीने वाली हूँ ग्रीन टी। चाय वगैरह को आजकल जो है मैं अवॉइड करती हूँ, सुबह भी शाम को भी। आप लोग को भी दिखाई दे रहा होगा, यानी कि पता चल रहा होगा कि भाई व्लॉग्स में जो है मैं चाय वगैरह नहीं बना रही हूँ। तो जी हाँ, सच में ही मैंने चाय अभी जो है थोड़ी सी बंद कर दी है पीने के लिए, कोशिश कर रही हूँ कि भाई छूट जाए, और मुझे काफी रिलैक्स फील होता है। मतलब ये नहीं लगता कि भाई जैसे एक बार बीच में हो गया था कि भाई चाय नहीं पीती थी तो बहुत ही ज्यादा अजीब सा लगता था, बट अभी फिलहाल ऐसा कुछ नहीं लग रहा है। मुझे बॉडी बिल्कुल रिलैक्स लगती है, बिल्कुल लाइट वेट लगती है, कुछ ना कुछ फर्क शायद होता है चाय से, कुछ ना कुछ बॉडी में होता है। तो जी अभी फिलहाल यहाँ पर मैं पनीर काट रही हूँ। तो जी देखिए, टमाटर ले लिए मैंने, गोभी ले ली है, आलू है, बैंगन है, और पनीर हो जाएगा हमारा। तो ये मिक्स वेज सब्जी हमारी बन जाएगी, यहाँ पर काफी अच्छी बनी है और बहुत ही टेस्टी बनी थी आज की मेरी जो सब्जी है फ्रेंड्स। और ये पनीर जो है मैंने घर पे ही निकाला हुआ है, मैंने आप लोगों को व्लॉग्स में दिखाया होगा, तो बस उसी दिन का रखा हुआ है। और फ्रिज में जैसे कि आप लोगों को पता है कि चीज हमारी जल्दी से खराब नहीं होती है, तो पनीर भी जो है मैंने फ्रिज में ही रख दिया था। और अभी फिलहाल जो है मैं सारी गोभी डाल लूंगी इसमें, क्योंकि मुझे यह था कि मिक्स सब्जी बन रही है तो काफी अच्छी बनेगी, मुझे लग ही रहा था। और फिर दूसरा ये था कि
अच्छे से पूरी पड़ जाए, तो इसीलिए मैंने जो है यहाँ पर गोभी का फूल पूरा ले लिया था, तीन छोटे छोटे बैंगन ले लिए हैं, और ये कम से कम 100-150 ग्राम के आसपास शायद पनीर होगा। घर पे ही मैंने निकाला था तो काफी अच्छा निकला है और बहुत ही टेस्टी लगता है मुझे घर का पनीर निकाला हुआ। तो अभी बारी आती है बैंगन काटने की। तो जी जो ये हमारे ब्रिंजल है, बैंगन है, इनको मैं बिल्कुल लंबी लंबी फाड़ी में काट रही हूँ, इस प्रकार से रक्षित के पापा को काफी अच्छे लगते हैं। तो जी इसी के साथ यहाँ पर रक्षित के पापा ने रक्षित को नहला दिया था, अभी बारी आती है इसको कपड़े पहनाने की। और अभी देखिए ये यहाँ पर मेरा कितनी बुरी तरीके से हाल बेहाल करने वाला है, यानी कि देखिए मैं इसको कपड़े पहनाने जा रही थी और ये जो है भाग गया। अभी फिलहाल जो है मैं इसको ये बैट लेके इसके पीछे पड़ी थी कि मैं मार लगाऊंगी वरना खड़े होके आ जाओ। अगर ये रहता है कि मैं इसके पीछे भागती हूँ तो ये और ही ज्यादा भागता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा डांट देती हूँ, जैसे कि बैट दिखा दिया है, फिर डंडा दिखा दिया है, फिर थप्पड़ वगैरह दिखा दिया, तो ये चुपचाप से आ जाता है। तो जी अभी फिलहाल यहाँ पे इसको थोड़ा सा बॉडी लोशन लगा देती हूँ, ऑयल वगैरह लगा दिया है। अब जो मैं इसको गर्मियों वाले कपड़े पहनाने लग गई हूँ, सिर्फ दो ही पहनाती हूँ, एक सेंडो बलियान और फिर एक ऊपर से टी शर्ट, और निकर पहनाने लग गई हूँ। और ये यहाँ पर रोने लग गया था वो इसलिए क्योंकि मैंने उसको जो है काजल लगा दिया था आज। हालांकि मैं काजल बहुत कम लगाती हूँ रक्षित को, बट लगाना चाहिए। रक्षित के पापा ने भी बोला है कि भाई तुम काजल लगाया करो इसको, तो उन्हीं की फरमाइश पे जो है मैंने आज रक्षित को काजल लगाया है। तो बहुत ही ज्यादा रो रहा था, और फिर उसने मेरा दूसरा ये भी किया कि जैसे ही उसने काजल लगा लिया था तो मेरे पास आया और मेरी चुन्नी को लेके कह रहा है नहीं इसको छुटाओ, इसको छुटाओ, इसको निकालो, इसको निकालो, इस प्रकार से जो है वो पीछे पड़ा हुआ था। तो बस उसको जो है एक आंख से निकली और एक आंख की नहीं भी निकली, बट मुझे यहाँ पे ये भी डर लग रहा था कि भाई वो जो है अपना हाथ आंख में ना घुसा ले। मतलब होता है ना कि भाई बच्चे को अभी पता नहीं होता इतना क्लियर, तो बस यही था। और पनीर जो अभी फिलहाल मैं कटोरी में निकाल देती हूँ, तब तक जो है मैं अपनी बाकी की सब्जी चॉप कर लूंगी। तो जी सब्जी फिलहाल मेरी चॉप हो गई थी, अभी बारी आती है प्याज वगैरह काटने की। और अब जो है मेरी सब्जी वगैरह भी खत्म हो गई है, ये लास्ट थी शायद, और उसके बाद देखते हैं क्या बनेगा क्या नहीं। और प्याज भी शायद आज का लास्ट ही है, तो या तो मुझे आज लेके आने पड़ेंगे या तो फिर कल लेके आने पड़ेंगे प्याज वगैरह। और प्याज जब इकट्ठे आ जाते हैं तो ही मुझे अच्छा लगता है, और मैं ऐसे लेके आती हूँ 1-2 किलो में, तो फिर उसमें जो है ना कि कहते हैं कि बरकत जो होती है वो नहीं हो पाती है। अगर 5 किलो के इकट्ठा प्याज आ जाते हैं, 5 किलो इकट्ठा आलू आ जाते हैं, तो ये रहता है कि हम प्याज को कितना भी सैलेड में खा ले, कितनी भी सब्जी में डाल ले, तो ये अच्छा एक ये लगता है कि हाँ फुल क्वांटिटी में वो चीज हमारे पास है। और जब हम 1-1.5 किलो लेके आते हैं तो हमें ये लगता है कि भाई 1-2 डाल लेते हैं, एक उस चीज के लिए काम आ जाएगा, एक उस चीज के लिए काम आ जाएगा, तो इस तरीके से वो चीज हमें थोड़ी सी कम पड़ जाती है। तो इसलिए मैं अब रक्षित के पापा को बोलूंगी कि भाई आप जो है प्याज लेके आना, तो बट देखते हैं कैसे क्या रहेगा। तो इसी के साथ यहाँ पर मैंने लस्सी निकाल दी है और थोड़ा सा मैंने लोटे में भी डाल के रख दी है, क्योंकि लस्सी काफी हो गई थी, और जो ये लोटे में लस्सी थी ये पहले की बची हुई थी, यानी कि कल वाली लस्सी है, तो इसी को मैंने पूरा भर दिया है। अब जो पिया जाएगा तो ठीक है, वरना मुझे ये लगा था कि मैं फ्रिज में जो है वो रख दूंगी। काफी बार ऐसा हो जाता है फ्रेंड्स कि घर में जो है मतलब गाँव से जो लस्सी वगैरह नहीं आ पाती है और यहाँ पर भी लस्सी नहीं बचती है, और उस दिन खासकर ये रहता है कि भाई आज हम लस्सी के साथ खाना खा ले, लस्सी के साथ जो है पी ले, लस्सी पी ले, या फिर ऐसा कुछ फील हो जाता है, तो उस टाइम के लिए जो है मैंने लोटे में थोड़ी सी लस्सी डाल के मैंने कहा इसको जो मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूंगी फिलहाल, तो मुझे काफी इजी रहेगा, क्योंकि अभी बीच में एक दिन हमारे लस्सी दूध वगैरह गाँव से नहीं आया था, तो मेरे पास उस दिन दही भी नहीं थी यहाँ पर और लस्सी भी नहीं थी, तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई हमें खाना खाने में। देखिए जो नहीं खाता है उसको तो कोई मुश्किल होती नहीं है, बट जिसको आदत होती है, जैसे कि मेरे घर पे सभी को हैबिट है दूध दही लस्सी की, तो बस यही वाली बात थी। देखिए अभी रक्षित के पापा, खाना मेरा रेडी हुआ नहीं है, हालांकि इनको थोड़ी सी भूख लग रही थी, तो इन्हें यह लगा कि मैं एक गिलास लस्सी पी लेता हूँ, गर्मी का टाइम है तो काफी बेनिफिट रहेगा। तो बस इसी हिसाब से जो है आदत पड़ जाती है, तो यही रहता है कि भाई लस्सी वगैरह हमें 24 घंटे यहाँ पर चाहिए। तो यहाँ पर मैं रक्षित के पापा से हंस रही हूँ, वो बता रहे हैं कि तुमने ये क्या ऑर्डर किया है, मुझसे पूछ रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि भाई मैंने ये चीज ऑर्डर की है। तो जी ये पराठे वाला ब्रश था जिसपे हम ऑयल लगाते हैं, यानी कि वो वाले मैंने ऑर्डर किए थे, तो ये एक के साथ एक फ्री आया है। मीशो से मैंने इस बार जो है सामान मंगाया, काफी अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और ये मैंने मंगवाया है यहाँ पर अपना तवा स्टैंड, यानी कि तवा, चकला, बेलन, चिमटा, चारों चीज जो है हमारे इस पे अच्छे से आ जाएंगी। तो जी देखिए मैं आप लोगों को यहाँ पर लगा के दिखाती हूँ किस प्रकार से जो इसमें रखा जाएगा। इस प्रकार से जो है हमारी सारी चीजें इसमें आ जाएंगी चारों, और फिर ये नहीं रहेगा कि भाई स्लेप पे एक चीज इधर रखिए, एक चीज उधर रखिए, एक प्रॉपर जो है स्टैंड मिल जाएगा इस चीज को। तो ये मैं देख रही थी कि इसको मैं कहाँ लगाऊं, तो रक्षित के पापा ने मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह बताई है, तो जब भी अभी मेरा पूरा सामान आ जाएगा, हैंगर वगैरह भी मैंने 1-2 मंगवाए हैं वो आ जाएगा, तो उसके बाद मैं इसको इकट्ठा ही जो है वो लगवा दूंगी। तब तक जो है इसको ऐसे ही कहीं देखते हैं, फिलहाल 2-3 दिन में शायद मेरे सारे कुरियर या फिर पार्सल जो है
है वो आ जाएंगे, उसके बाद तब देखते हैं कि लगाने का कैसे क्या रहेगा। तो अभी फिलहाल बारी आती है आटा लगाने की। तो जी सब्जी मेरी बन रही है, तब तक जो है मैं अपना आटा लगा के रख देती हूँ। ये दाल मेरी रात की बची हुई थी, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल जो है मैंने दाल बनाई थी, तो बस ये वाली दाल मैं वेस्ट नहीं करूंगी, इसको मैंने जो है आटे में गूंथ लिया है। और अभी फिलहाल जो है बारी आएगी रोटी बनाने की। तो जी ये लस्सी है, दूध बचा हुआ था ये, सॉरी फ्रेंड्स लस्सी नहीं थी, ये दूध बचा हुआ था मेरा परसों का, तो फिर मैंने इसको जो है गर्म कर दिया था। और इसकी जो है मैं दही जमा के रख दूंगी अंदर रूम में ईट वाली अलमारी में ढक के, तो इसकी जो है मेरी दही काफी अच्छे से बन जाएगी, पर्दा लगा दूंगी। वैसे कुछ गर्मी का टाइम है तो उतना ढकने का जरूरत जो है वो हमें यहाँ पर पड़ेगी नहीं। तो इस बार जो है मैं अभी रोटियां ही बना रही हूँ, दाल की पराठे वगैरह नहीं बना रही हूँ, क्योंकि ये रहा कि रिफाइंड वगैरह मेरा खत्म हो रहा था, जैसे कि राशन मेरा खत्म हो रहा था मैं आप लोगों को बता रही थी। तो जी देखिए अभी शाम का टाइम हो गया है, तकरीबन 7 बजे के आसपास का टाइम है अभी फिलहाल। तो जी दिन में बहुत ज्यादा व्यस्त हो गई थी, आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई वो चीजें मैं। तो अभी फिलहाल देखिए मैं जो है सामान वगैरह लेके आई हूँ अपना, थोड़ा बहुत जैसे खाने पीने का राशन वगैरह है वो चीज लेके आई हूँ, एक दो चीज जैसे कि जरूरत की है वो लेके आई हूँ, और दूसरा ये था कि रक्षित के लिए बिस्किट नमकीन वगैरह जो है जो भी चीज मेरा यहाँ पर मुझे लग रहा था कि भाई जो है खत्म हो रही है वो वाली चीजें जो है मैं अपनी यहाँ पर ले आई हूँ। तो जी रक्षित के पापा अभी फिलहाल हम लोगों को सामान दिला के चले गए हैं बाहर, और अभी जो है देखिए मैं अपना ये जो सामान है वो निकाल लेती हूँ बाहर, क्योंकि दो थैले थे तो काफी भारी हो गया था, और इस तरीके से सामान हम इकट्ठा ले आते हैं तो काफी सही रहता है, फिर हमें जो है बार बार दुकान पर नहीं जाना पड़ता है। तो जी देखिए नमकीन बिस्किट आ गया है, दाल वगैरह आ गई है, छोले आ गए हैं, राजमा आ गई है, चीनी चावल है, जो भी मतलब हमें चाहिए था वो सारी चीजें अभी फिलहाल यहाँ पर आ गई है। तो जी इसी के साथ यहाँ पर मैं ले आई हूँ रूअब्जा, जैसे कि गर्मी होने लगी है और फिर मुझे ये लगा कि भाई रूअब्जा जो है मैं थोड़ा थोड़ा रक्षित को पिलाना शुरू करूंगी, तो जैसे कि वो स्कूल से आया करेगा तो उसको काफी अच्छा रहेगा, और ये चीजें जो है हमें गर्मी में पीती रहनी चाहिए, क्योंकि पानी की कमी उससे नहीं होती है, और फिर हमारा शरीर जो है गर्मियों में बहुत ही ज्यादा प्यास वगैरह लगती है, उस चीज को भी थोड़ा सा देखता है। तो रूअब्जा वैसे काफी अच्छा लगता है मुझे तो फिलहाल, और रक्षित के पापा को पता नहीं कि कैसा लगेगा। हाँ उन्हें भी पसंद है, बट उन्हें मैंगो शेक में पसंद है, वैसे तो वो बहुत कम पीते हैं, बट जब भी मैंगो शेक वगैरह हम बनाते हैं तो वो पी लेते हैं। तो जी इस बार रक्षित की साबुन नहीं मिली थी तो उसके लिए शैम्पू लेके आए हैं, जॉनसन्स बेबी का मिला है, और दूसरा ये था कि मैं अपना भाई थोड़ा सा सामान लेके आई थी, यानी कि जो भी खत्म हो गया था, यानी कि ये लगा लीजिए हार्पिक वगैरह था, और कंफर्ट लेके आई थी मैं एक, कभी कभी रहता है कि भाई कपड़ों में खुशबू के लिए भी डालना पड़ता है, और थोड़ा सा ये लगता है कि थोड़ा सा अच्छे से जो है वो हो जाए। तो अभी फिलहाल यहाँ पर ये दूसरे वाले थैले की बारी आती है। तो जी देखिए इसमें भी काफी सारा सामान था, नमक वगैरह है, पोहा है, और यहाँ पर जो है मैं वो भी ले, तो जी साबूदाना भी लेके आई हूँ मैं फिलहाल, और उसकी खिचड़ी भी आप लोगों के साथ कभी शेयर करूंगी, बहुत ही अच्छी बनती है आलू डाल के। और ये मैं वैसे जब शेयर करूंगी, जब मेरे घर पे बच्चे आ जाएंगे, यानी कि सिस्टर लोज वगैरह आ जाएंगी, तब कभी देखेंगे, क्योंकि पूरी फैमिली के साथ खाने का मजा ही कुछ अलग है। और यहाँ पर उसी के साथ हम यहाँ पर ले आए थे अपने आज ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी। तो जी बादाम, काजू, किशमिश, अखरोट वगैरह जो है टोटली सारा ही सामान जो है वो आज आ गया था मैक्सिमम। और तो ये वाला जो सामान आया वो भी मुझे काफी महंगा लगा फिलहाल, क्योंकि काफी जो मतलब बोलते हैं ना कि भाई एक तो ये जो ड्राई फ्रूट्स थे इसकी वजह से जो है हमारा बिल थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर बन गया था। तो जी अभी फिलहाल जो है साथ के साथ अपना सामान सारा ऑर्गेनाइज कर दूंगी, और इस बार जो है हम लोग वो जो काली सी दाल होती है उसका नाम मुझे पता नहीं है, वो भी हम अलग से लेके आए हैं, पता नहीं वो कैसी लगेगी, बट रक्षित के पापा की फरमाइश थी तो वो हमने जो ले लिया है। तो मैं अपने लिए यहाँ पर सफोला ओट्स भी लेके आई हूँ, 3-4 पैकेट, देखते हैं कैसा लगेगा खाने में। होता है ना भाई शाम के टाइम पे थोड़ी थोड़ी भूख लग जाती है, तो उस टाइम पे अपना बना के खा लो तो बाजार का चिटरपुटर खाने से जो है हम लोग बच जाते हैं। तो जी उसी के साथ यहाँ पर जो है मैं अपने कप भी लेके आई थी चाय वाले, वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, आज नहीं दिखा पाई तो कभी फिर दिखाऊंगी। और यहाँ पे जो है मेरी जो चाय के कप थे वो सेट जो है वो मेरा पूरा बिखर चुका था, यानी कि किसी के 2 कप रह रहे थे, किसी के 3 कप रह रहे थे, और किसी का कोई कप ही नहीं था, यानी कि देखिए आप लोग। तो ऊपर से उतारने की बजाय मैंने सोचा एक कप का सेट ले लेती हूँ नीचे के लिए, जैसे भी कोई गेस्ट आता है तो अपना नीचे के नीचे जो है उनको बना के दे दो, वरना फिर ऊपर वाली स्लिप से उतारती हूँ तो काफी प्रॉब्लम होती है उतारने में मुझे। और फिर ये था कि जब एक सेट होना चाहिए ऐसा आसपास कि भाई अपना जो है अच्छे से हम लोग जैसे भाई चाय वगैरह अपना दे दे, तो काफी अच्छे मिले मुझे वहां पर। और येलो कलर के कप लेके आई हूँ चाय के, वो भी दिखाऊंगी मैं आप लोगों को। तो अभी फिलहाल जो है ऑयल वगैरह ले आए थे, रिफाइंड वगैरह ले आए थे, बूंदी जो है मैंने रक्षित की निकाल के रख दी है साथ के साथ, क्योंकि ये था कि रक्षित बूंदी वगैरह मांगता रहता है। और यहाँ पर जो है आज जैसे कि फुल राशन आ गया था घर में, तो डब्बे हालांकि मेरे पास इतने सारे हैं सामान रखने के, बट वो भी मुझे कम लग रहे थे, तो उसी के साथ जो है मैंने थोड़ा थोड़ा सामान जो है अपना ये जो बड़े वाले डब्बे नीचे की साइड रखे हैं इनमें ऑर्गेनाइज
कर दिया था। तो ये था कि सारा सामान मैंने जैसे भी करके अपना ऑर्गेनाइज कर ही लिया था लास्ट तक, और फिर ये था कि ये जो मैंने टावल अभी बिछाया ये भी मैं आज ही लेके आई हूँ। तो मुझे ये लगा था कि ये 6 टावल है, बट जब मैंने इसको ओपन करके देखा ये बड़े वाले साइज के सिर्फ 3 ही टावल निकले। तो जी फ्रेंड्स, छोले मैंने भिगा दिए हैं कल के लिए, बट अभी जो है मैं बनाऊंगी खिचड़ी डिनर में, मूंग दाल वाली जो खिचड़ी होती है वो बनाऊंगी, क्योंकि वो भी रक्षित के पापा ने बोला है तो उनको वही खाना है। फिर मैंने सोचा कि भाई यही बना लेते, काफी इजी रहेगा। और आज का व्लॉग रहेगा मेरा इतना ही, और ये सब काम करते करते मुझे बज गए थे रात की 8। हम मैं मिलूंगी आप लोगों से कल।